धार जिले के पीथमपुर के एक मकान में मिली 5 दिन पुरानी महिला की लाश के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। आज प्रेस वार्ता में धार SP ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला के पति जेठ व जेठानी ने गला घोटकर महिला की हत्या कर 1 वर्षीय बालिका को बेच दिया था। पुलिस ने पन्ना, डिंडोरी और दिल्ली से आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर पूरे मामले को सुलझा दिया। पुलिस ने हत्या और मानव तस्करी के आरोप में 6 महिलाओं सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। SP आदित्य सिंह प्रताप ने इस मामले को सुलझाने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आर पुलिस ने सेक्टर 1 में एक प्रकरण हुआ था, जिसमें 25 तारीख को एक महिला की लाश मिली थी और उस लाश को, अब वो लाश अनआइडेंटिफाइड थी और उसमें हमारे एडिशनल SP CSP पीथमपुर सेक्टर 1 TI चंद्रभान और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। शुरुआत में ये पूरा प्रकरण मर्डर का लग रहा था, परंतु जब इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस आया, जिसमें जो महिला थी उसकी बच्ची को, 1 साल की बच्ची को, उसके पति और उसके जेठ ने मिल के उसको ले गए थे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो बच्ची बेचने वाले 3 लोग छोटू, प्रसंदी और दीपिका निकल के आए। बच्चे को बिकवाने वाले आरोपीगण में राधा भाई, सागर, मीना, मानकू और मिथुन आए और ख़रीदने वाले जो 2 पेरेंट्स हैं, सिकंदर और पूनम। पुलिस ने डिंडोरी, पन्ना और दिल्ली, ये 3 जगह दबिश दी और हमारी टीम्स ने काफ़ी अच्छा इफेक्टिव काम किया। सब इंस्पेक्टर हीना जोशी, TI चंद्रभान, CSP तरुणेन, सभी ने मिलकर अच्छा काम किया और हमारी टीम्स ने सभी 10 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और बच्ची को जो है रिकवर कर लिया है। इसमें अभी देख कर लो इस प्रकरण में पुलिस की पूछताछ जारी है और इससे संभवतः और भी अन्य प्रकरण का खुलासा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।